जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप अपने घर के नियर बाय जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है। और सबसे बढ़िया बात ये दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कितनी भी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है तो आप एलिजिबल रहेंगे। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं मांगी गई है। और सबसे बढ़िया बात यह कि घर के नियर बाय काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो क्या होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों इसमें तीन टाइप की पोस्ट होती हैं, कैशियर की, कस्टमर केयर की और सेल्स एग्जीक्यूटिव की। इन चीजों को ध्यान से समझना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर केयर की। बेसिकली दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, जितने भी इनके सेंटर्स होते हैं यानी कि जितने भी इनके शोरूम्स वगैरह होते हैं, ये डिप्लॉयमेंट करते हैं नियर बाय कैंडिडेट्स की। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वो इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। अगली बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है। देखिए इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल या मेल ही अप्लाई करेंगे। दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम 22 साल, ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए दोस्तों, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कस्टमर से। और बेसिकली दोस्तों कोई भी आपके पास कोई भी सिचुएशन होती है तो वो हैंडल करनी आपको आनी चाहिए, ऑन द स्पॉट आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के मन में मैसेज आते हैं कि सर सैलरी क्या मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसमें मेंशन नहीं है कि सैलरी भी इसमें कितनी मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी काबिलियत पे। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वहीं पर ही डिसाइडेबल होता है कि आपकी सैलरी क्या निर्धारित करेगी। अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों। इसी के साथ साथ बात करते हैं क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली दोस्तों जैसे मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले होती दिखेगी। वहां पर आपके कुछ कॉलम्स देंगे, तो पहला कॉलम होगा नाम का, फिर मोबाइल नंबर, फिर मेल। मोबाइल नंबर और मेल आपको ऑथेंटिक डालना है और एक्टिव डालना है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो बंद पड़े हों और आप वो डाल दें। तो क्योंकि जो आपका कम्युनिकेशन होगा, जो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह जो भी आएगी, वो आपको थ्रू मोबाइल नंबर या मेल के थ्रू ही आपको इंटीमेशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कस्टमर के लिए डाल सकते हैं या कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैशियर के लिए डाल सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के कॉलम में बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों आप इसमें जीरो नील भी डाल सकते हैं, और आप इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नीचे दिया गया कि नोटिस पीरियड, जैसे कि दोस्तों अगर आप कहीं और वर्क कर रहे हैं तो आप कितने नोटिस पीरियड के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर इमीडिएटली भी कर सकते हैं, जैसे आपको कहें वो कि भाई दो दिन बाद आपको ज्वाइन करना है तो आप दो दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसमें पीरियड देना चाहते हैं 2 महीने 4 महीने तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नीचे लोकेशन डालनी है, जिस लोकेशन में आपको जॉब चाहिए, यानी कि आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको लोकेशन डालनी होगी। उसी के नीचे दोस्तों अपना आपको एक रिज्यूमे अपलोड करना है, यानी कि रिज्यूमे आपको जरूरत पड़ेगी, वो रिज्यूमे आपको पहले से पहले ही बनाना है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का बनाना दोस्तों, ताकि जो भी आपका रीड आउट करे सीनियर ऑफिशियल, वो आपको देखते ही कॉलिंग वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल अप करे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। अब आपको यहां तक काफी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। बच्चों के कमेंट सेक्शन में ये भी मैसेज आता है कि यह सरकारी नौकरी है। नहीं दोस्तों, ये विजय सेल्स में आपकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप रीड आउट जरूर कर लेना, जहां पर इनकी सारी डिटेल्स दी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।